हे गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इनवैलिड कार्ड डिटेल्स ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, जब भी आप अपने कार्ड की डिटेल फिल करते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में बताऊँगा। दरअसल मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं अपने कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर रहा था और यहाँ पर डिटेल फिल कर रहा था, तो यहाँ पर लिखा रहा था इनवैलिड कार्ड डिटेल। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नए नए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उनको फॉलो करें। दरअसल मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब मैंने चेक किया मेरे कार्ड की डेट्स, तो मेरा कार्ड एक्सपायर हो चुका था। तो आपको भी एक बार चेक कर लेना कहीं आपका जो कार्ड आप यूज़ कर रहे हो वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका, तो आपको एक नया कार्ड इशू हो जाएगा, उसको यूज़ करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका कार्ड एक्सपायर भी नहीं हुआ है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके एक दो तीन रीज़न हो सकते हैं। दरअसल ये प्रॉब्लम तब आती है अगर आप कार्ड एक्सपायर भी नहीं हुआ तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका जो कार्ड है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वो इनेबल नहीं हुआ है। अगर इनेबल भी था और आपने कुछ गलत ट्रांजेक्शन करी एक दो बार, तो वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो आपको वो चेक करना है कहीं आपका जो कार्ड है ब्लॉक तो नहीं कर दिया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। और ये प्रॉब्लम तब भी आती है अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो, और यहाँ फिर आप जो कोड होते हैं या डेट ऑफ बर्थ हो वो गलत फिल कर रहे हो। तो इन सभी को क्रॉस चेक करके एक बार आपको फिर से सारी डिटेल ध्यान से फिल करनी है, और होप करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।